कर देना चाहता हूँ आपको। कुछ जी चीजें इस्लाम में हैं बहुत सेंसिटिव, सभी धर्मों में कुछ सेंसिटिव बातें होती हैं जिन पर बहुत सावधानी से और खूब खूब कर आपको कदम रखना होता है और बात करनी होती है स्पेशल मीडिया में। उसका जी कारण यह, मैंने कई सारे मुस्लिम विचारक, चिंतक, मौलाना, मौलवी, उलमा, मुफ्ती ऐसा टैग लेके आ जाते हैं और इस्लाम के बारे में कुछ भी उल जलूल बातें करने लगते हैं। जी तो इस बात को हमको स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जी हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। अब गिनती क्या है ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन हूर है बिल्कुल। और तो आप सूरह ये रहमान में, बहत्तर कहां हाँ वो सब रिवायतें हैं अलग अलग, कोई 72 कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 72 फिरके कहता है, कोई 73 फिरके कहता है ना। तो अलग अलग जगह से ये आंकड़े आ जाते हैं। तो लेकिन जो एग्जैक्ट है इस्लाम में वो मैं बता रहा हूँ, संख्या एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बोल सकता, पर हूर है ये बिल्कुल सत्य है। सूरह रहमान में हूर का जिक्र आया हुआ है, क्योंकि जन्नत की बहुत सारी नेमतों का अल्लाह ने जो जो हमें दिया है, और इतना दिया है, इतना दिया है अल्लाह ने, तो उसमें बार बार आता है कि आप अल्लाह की किस किस नेमतों से इनकार करोगे ए जिन्नो इंसान। तो वो चीज उसमें आई हुई है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा मा तुकज्जिबान, अल्लाह की किन किन रहमतों से, नेमतों से आप इनकार करोगे जिन्नो इंसान। तो अल्लाह की उन रहमतों में एक जन्नत भी बताई गई है, जन्नत में हूरे भी बताई गई है, तमाम तरह की चीजें बताई गई है, फल बताए गए, रेहान बताया गया, तुलसी बताया गया, ये सब चीजें हैं। संख्या में मैं नहीं जाऊंगा, संख्या का एग्जैक्ट कोई फिगर ऐसा नहीं है, जी हूर है। हूरों का वर्णन भी है कि वो कितने सुंदर होंगी, कैसी दिखती होंगी, मुश्क, अंबर, जाफरान से बनी होंगी, उनकी ऊंचाई भी मौलाना अलग अलग बताते हैं, बहरहाल जो भी है। अच्छा लेकिन हाँ, 130 फीट है, 140 फीट, ओरिजिनल थी नहीं अपने मन से। देखिए हदीस एक्चुअली में है क्या, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही और जो काम किए उन सबको मिलाकर हदीस बनती। अब जैसे उन्होंने कहीं कुछ बात कही, मान लीजिए वहां चार लोग बैठे थे, तो किसी ने कैसे डील किया, किसी ने कैसा लिखा, फिर उसको सुनने वाले ने कैसा सुना, आगे उसने फिर क्या लिखा। तो हम वो एक खेल खेलते हैं ना, किसी ने कुछ कहा, फिर उसके कान में दूसरा कहा, तीसरा कहा, चौथा कहा, 10वें के पास आते आते वो मूल बात क्या थी वो समाप्त हो गई। तो कुछ हदीसों के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए जो डिस्प्यूटेड बात है हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो जी कहते हैं जी वहां पे शराब भी होगी और कौन पिलाएगा, कौन सियूर पिलाएगी, माज अल्लाह के अल्लाह शराब पिलाएगा, इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात समझने लायक जो ये है कि कुछ प्रतीक, कुछ इशारों में कुछ बात कही जाती है ताकि हम इस दुनिया को सुधार सके। उस प्रतीक और इशारों को सनातन वाले यदि व्याख्या की जाए तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में चूंकि वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है जो कि हिंदुओं में आया, यानी स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी दयानंद सरस्वती आए, राजा राम मोहन राय, तमाम तरह के मुसलमानों में भी कुछ आधुनिक काल में धर्म सुधार आने थे तो वो नहीं हो पाए, जो इसलिए हम आते हैं चूंकि उनको कह देते हैं कि ये इस्लाम के विरोधी हैं, विरोधी बदनाम है कर। तो वो उन चीजों को एज इट इज ले रहे हैं, उन प्रतीकों को नहीं समझ रहे, सिंबॉल को नहीं समझ रहे। जैसे कि कुरान शरीफ में बहुत अच्छा, यही कहूंगी कि ये एक बेशर्मी है, बेहयाई है, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियां फिसलती ऐसी होती हैं, फिसल जाती हैं, तो इनका मर्दों का कोई गुनाह नहीं होता या मर्दों का कोई नजर का दोष नहीं होता। इस तरह के बयान देते रहते हैं, उनकी जुबान फिसलती रहती है इस तरह के बयान देने के लिए, नजर के साथ साथ उनकी जुबान भी फिसलती रहती है। तो पहली बात तो लड़कियां कोई चीज नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि जो जिसको देख करके जब चाहे तब इस्तेमाल करते हैं और जब मन चाहे तब उठा के फेंक देते हैं। कोई वस्तु नहीं है, इंसान है। और इंसान ऊपर वाले ने दो ही चीज जात बनाई है इंसान की, एक मर्द एक औरत। हर उसमें जानवर हो, इंसान हो, कीड़े हो, मकोड़े, हर जगह पर दो तरह के नर और मादा पाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। तो बाकी अगर आप इंसान नहीं समझते, चीज समझते हैं, तो ये बहुत ही बेगैरती की बात है कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीज, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज को आप सामान वस्तु समझते हैं, उसकी भावनाओं का, उसकी इज्जत का, उसके मन का, उसके इमोशंस का कोई आपको ख्याल नहीं है। आप इस तरह की बातें करके, इस तरह की बयान दे करके तमाम उन लड़कियों का, आधी आबादी को ठेस पहुंचाते हैं जो इस समाज को, इस दुनिया को चला रही है। तो आप
इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि मैं इस बयान की घोर निंदा करती हूँ कि इसे शर्मनाक बयान के लिए टारगेट करना या मुसलमानों को टारगेट करना की कोई जरूरत नहीं है। ये जो उसमें गंदगी आ गई है, जो उसमें प्रदूषण फैल गया है, दूषण फैल गया है, उसको सफाई की जरूरत है। तो इस तरह की फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए इस तरह की चीजों को पर फिल्में बनना जरूरी है, आईना है। और आज के समय में जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कम्युनिस्टों ने प्रस्तुत किया है, इतिहास को बदलने की कोशिश की है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो अंग्रेज रहे हो, सबने हमारे इतिहास को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो आज अगर इस तरह की सत्य घटनाओं पर फिल्में बनेंगी तो वो लोगों के सामने, हमारी युवा पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने एक रिकॉर्ड हो जाएंगी, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी कि इस तरह की फिल्में बनी थी, यानी कि इस तरह की कोई घटना घटी थी, इस तरह की घटना घटी थी इसलिए ये फिल्म बनी, और हमारे समाज में इस तरह की गंदगी भी थी जिस पर फिल्में बनना जरूरी था। अभी देखिए आप, चाहे पिछले समय में बाल विवाह पे रहा हो, चाहे विधवा विवाह पे रहा हो, चाहे विधवाओं की जिंदगी पे रहा हो, तो इस तरह इस पर भी तो फिल्में बनी है और एक बदलाव आया है, एक लोगों के अंदर एक चेंज आया है, समाज में बदलाव आया है, तो इस तरह की फिल्में बनेंगी तो एक चेंज आएगा। क्योंकि 72 पूरे लोगों को, युवाओं को, हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को सपना दिखा करके कि आप अल्लाह के नाम पर, धर्म के नाम पर शहीद हो जाएंगे, इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाएंगे, तो मरने के बाद आपको 72 पूरे मिलेंगी। तो ये जो सपनों की दुनिया लोगों ने दिखाई है, हमारे कट्टरपंथियों ने, हमारे समाज के कट्टरपंथियों ने, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, तो ये समाज की तस्वीर को बदलने का काम करेगा ये फिल्म। तो बहुत जरूरी है इस तरह की फिल्में बने, और बहुत ही जरूरी है एक फ्रेज इस्तेमाल की कि कैसे लोग हैं जो कि कम्युनिटी को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इस तरह का जहर उगलते हैं, इस तरह की आग लगाते हैं पूरे समाज में। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भाई हम भी उसी कम्युनिटी के हैं, आप भी उसी कम्युनिटी के हैं, और हम भी संस्कारी और राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, और ये भी अपने को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं, लेकिन जिस तरह का जो टोन और टेन्योर, जिस तरह की आग की लपटें इनके मुंह से जो है निकलती हैं, और ऐसा लगता है कि सब भस्म कर देंगे, वो देख के बड़ा अफसोस होता है, सुन के बहुत अफसोस होता है। आप तो खैर वो जो एक बहुत ही भद्दा प्रोग्राम था जिसमें एक बहुत ही गलत किस्म की स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी शुएब जामई ने सुबूही खान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि किस किस्म के शख्स हैं, अपने को डॉक्टर कहते हैं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए इनकी सारी डिग्रीज की, कभी ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, कभी कहीं के बन जाते हैं, कभी वहां जो के बन जाते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, उसके वो सर्वे सर्वा बन जाते हैं, इनकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। भाई अगर आप कुछ समाज में कहना चाहते हैं तो सही ढंग से कहिए, और ये पता लगना चाहिए दुनिया को कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं। और जो अल्फाज इन्होंने सुबूही के खिलाफ, भाई जाती जिंदगी में किसी को कोई हक नहीं है दखल देने का, ठीक है, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, इसका अपना कानून है, और आप कोई ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, दुकानदार नहीं है, ठीक है, मकानदार नहीं है, ठीक है। सुबूही ने क्या किया क्या नहीं किया ये आपका कोई उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। डोंट, he should not poke his dirty nose into others personal affairs। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई गैर मुस्लिम से शादी की और जिना जिना, ये क्या सब है? हिंदुस्तान का अपना कानून है, और उस कानून के तहत कोई भी किसी भी मजहब का आदमी कानूनी तरीके से अदालत में जाके किसी से भी शादी कर सकता है। प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान हरगिज भी ऐसे नहीं होते जैसे हमारे जो ये जामई साहब है, ठीक है। मुसलमान जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो ये जानता है कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त मुसलमान का नहीं है, लेकिन इनके जैसे लोग, जामई साहब जैसे जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को अंडर स्कैनर कर दिया है, यहाँ तक कि इस्लाम भी अंडर स्कैनर आ जाता है इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स होती हैं, और खास तौर से जो सुलूक इन्होंने सुबूही खान साहिबा के ताल्लुक से अपनाया, बहुत ही अफसोस का मकाम है। और ये कहते हैं कि इस्लाम की वकालत करते हैं, ये इस्लाम को अंधे कुएं में ढकेलने का काम करते हैं। इस्लाम अगर अगर इनकी शिकायत जो इस्लामी जो जो सिस्टम है जो जो जिसको ये बोलते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस, वहां इस्लामी अदालत में इनकी शिकायत कर दी जाए जो इन्होंने सुबूही के ताल्लुक से कहा था, तो मेरे ख्याल से इनकी सजा वही होगी कि कोड़ों इनको इनको कोड़े मारे जाएंगे या पत्थरों से